Hello students, how are you? I hope you all are fine at your places. Students, आज की हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं बेटा. क्लास एलकेजी, सब्जेक्ट मैथ्स और टॉपिक है आज का हमारा 1 to 30 काउंटिंग. स्टूडेंट्स, आज हम 1 to 30 काउंटिंग बोलना भी सीखेंगे और लिखना भी सीखेंगे. ओके, सो स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास. स्टूडेंट्स, पहले हम 1 to 30 काउंटिंग बोलना सीखेंगे. सभी बच्चे मैम के साथ साथ बोलेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1 11, 1 2 12, 1 3 13, 1 4 14, 1 5 15, 1 6 16, 1 7 17, 1 8 18, 1 9 19, 2 0 20. सभी बच्चे मैम के साथ साथ बोलेंगे. ओके बेटा. 2 1 21, 2 2 22, 2 3 23, 2 4 24, 2 5 25, 2 6 26, 2 7 27, 2 8 28, 2 9 29, 3 0 30. बेटा आपको 1 to 30 काउंटिंग लर्न भी करनी है. ओके, अब हम 1 to 30 काउंटिंग लिखना सीखेंगे. पेरेंट्स, पहले आप बच्चे की नोटबुक में इस तरह से पेज ओपन करेंगे और यहां पर डेट मेंशन करेंगे. डेट, जिस डेट को बच्चा वर्क करेगा वो डेट आपको यहां पर मेंशन करनी है. ओके, आप यहां पर टॉपिक मेंशन करेंगे 1 to 30 काउंटिंग. क्लास वर्क, CW मीन्स क्लास वर्क. ओके, आप बच्चे को उसी तरह से डॉट लगाकर देंगे जिस तरह से मैं डॉट बनाऊंगी. आपको ध्यान से देखना है कि मैं किस तरह से डॉट बनाऊंगी. ओके, अभी आपको बच्चे से डॉट पर ही वर्क करवाना है. बगैर डॉट अभी आप बच्चे को वर्क नहीं देंगे करने के लिए. यहां वन बॉक्स लीव करके यहां से स्टार्ट करेंगे. 1, 2, 3. आपको इससे ज्यादा भी डॉट नहीं लगा कर देनी है बच्चे को. 4, 5, 6, 7, 8. 8 की आप इस तरह से 3 डॉट बनाएंगे. 8 की आपको इस तरह से 3 डॉट बनानी है. 9, 1, 0, 10. आप यहां पर वन बॉक्स लीव करेंगे और यहां से स्टार्ट करेंगे. 1, 1, 11. अब आपको इसी तरह से डॉट लगाने 2 की. 1, 2, 12, 1, 3, 13, 1, 4, 14, 1, 5, 15, 1, 6, 16, 1, 7, 17, 1, 8.
19 और 20। ठीक है, अब आप यहां पर फिर दोबारा से वन बॉक्स लीव करेंगे और यहां से स्टार्ट करेंगे two, one, twenty-one, two, two, twenty-two, two, three, twenty-three, two, four, twenty-four, two, five, twenty-five, two, six, twenty-six, two, seven, twenty-seven, two, eight, twenty-eight, two, nine, twenty-nine, or three, zero, thirty। आपको इसी तरह से बच्चे को डॉट लगा कर देनी है। ओके, अब आपको ध्यान रखना है कि लिखते समय बच्चा सही फॉर्मेशन से वर्क करे और बोल बोल कर लिखे। स्पीक एंड राइट, आपको बेटा बोल बोल कर लिखना है। ओके, वन टू, बिल्कुल स्लोली स्लोली बनाएंगे, धीरे धीरे। टू थ्री स्लीपिंग लाइन, स्लांटिंग लाइन, देन कर्व इस तरह से। फोर फाइव, फाइव भी इसी तरह से बनाएंगे, स्टैंडिंग लाइन, कर्व, स्लीपिंग लाइन। सिक्स, आपको ध्यान रखना है कि बच्चा सिक्स बनाएगा तो लाइन से टच करके बनाएगा इस तरह से। सेवन एट, आपको बीच वाली डॉट पर रखनी है पेंसिल, और एंटी क्लॉक और क्लॉकवाइज दोनों तरह से बना सकते हो आप। एट नाइन, कर्व बनाना है, देन स्टैंडिंग लाइन। वन जीरो टेन, वन जीरो टेन। अब यहां से वन वन इलेवन, वन टू ट्वेल्व, वन थ्री थर्टीन, वन फोर फोर्टीन, बेटा आपको भी इसी तरह से बोल बोल कर लिखना है। वन फाइव फिफ्टीन, वन सिक्स सिक्सटीन, वन सेवन, डॉट पर रखना है, स्लीपिंग लाइन देन स्लांटिंग लाइन। वन सेवन सेवनटीन, वन एट एटीन, वन नाइन नाइनटीन, टू जीरो ट्वेंटी, टू जीरो ट्वेंटी, टू जीरो ट्वेंटी से नेक्स्ट क्या आता है, टू वन ट्वेंटी वन, इस तरह से टू वन ट्वेंटी वन, टू टू ट्वेंटी टू, टू थ्री ट्वेंटी थ्री, टू फोर ट्वेंटी फोर, टू फाइव ट्वेंटी फाइव, टू सिक्स ट्वेंटी सिक्स, टू सेवन ट्वेंटी सेवन, टू एट ट्वेंटी एट, एंड टू नाइन ट्वेंटी नाइन, थ्री जीरो थर्टी। बेटा आपको इसी तरह से नीट एंड क्लीन वर्क करना है और बोल बोल कर वर्क करेंगे आप। ठीक है।
बोल बोल कर लिखना है आपको, ठीक है बेटा। इसी तरह से साफ सुथरा वर्क होना चाहिए आपका, ठीक है पेरेंट्स। अब आप नीचे बच्चे को थ्री डिक्टेशन डिक्टेट करेंगे, इस तरह से आप टॉपिक डालेंगे यहां पर डिक्टेशन। अभी आप बच्चे को डिक्टेशन 1 to 10 में से ही बोलेंगे, अभी आप बच्चे को 1 to 10 में से ही डिक्टेशन डिक्टेट करेंगे, ओके। आप यहां पर इस तरह से डॉट लगा देंगे बच्चे के लिए। अब आप बच्चे को डिक्टेशन डिक्टेट करेंगे, आपने डिक्टेट किया 5, तो यहां पर बच्चा 5 लिखेगा, 5 इस तरह से। लेकिन फॉर्मेशन आपको ध्यान रखना है कि सही फॉर्मेशन से बच्चा लिखे, 9, 3 इस तरह से। ओनली 3 डिक्टेशन ही आप डिक्टेट करेंगे बच्चे को, ओके पेरेंट्स। ये बच्चे के लिए 2 डेज का वर्क है, दिन में ये वर्क बच्चा 2 टाइम्स करेगा, 1 टाइम एज ए क्लास वर्क एंड 1 टाइम एज ए होमवर्क। पेरेंट्स बच्चे को ये वीडियो कम से कम 3 बार जरूर दिखानी है, और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, स्टे होम स्टे सेफ।